कि देखिए वुलन का सामान भी आना शुरू हो गया है, तो इस तरीके से आपको सेम पैटर्न पे 6 कलर्स मिल जाएंगे। तो आप बहुत प्यारा लग रहा है। ये बटरफ्लाईज हैं जो बच्चों के लिए बालों में लगाई जाती हैं। क्लचेस हैं खट्टे बंडल में। बादाम है, छुहारा है, काजू है। अच्छा, तो ये रेट क्या है वैसे आपके यहाँ? किशमिश ये मार्केट होलसेल मार्केट है और यहाँ पर अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कपड़े का या प्लास्टिक का या ब्रोकरी का या एनीथिंग, तो आप इस मार्केट से परचेजिंग कर सकते हो। ये तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि सोच रहे हैं कुछ बिजनेस शुरू करने के बारे में। तो इस मार्केट से आप अपने बिजनेस की परचेजिंग कर सकते हो, बिजनेस की शुरुआत के लिए सामान खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बिकॉज़ ये पूरी जो अय्यागंज मार्केट है ये होलसेल मार्केट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बिजनेस ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक अगर आप कैटरिंग का बिजनेस करना चाहते हो, आप प्लास्टिक का करना चाहते हो, कपड़ों का करना चाहते हो, साड़ियों का करना चाहते हो, ड्राई फ्रूट मसाले, मतलब एनीथिंग, आप जिस तरीके का भी बिजनेस करना चाहते हो तो वो सब सामान आपको यहाँ पर होलसेल दामों पे मिल जाएगा। और क्वालिटी वाइज भी यहाँ का सामान जो है वो अच्छा होता है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आई होप मेरी इस वीडियो की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। जो भी शॉप मैं आपको दिखाऊंगी उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनको। कि आप अगर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको कपड़े का दुकान पर ले कर चलती हूँ। ये है कृष्णा गारमेंट्स और ये मेन रोड पर बेसमेंट में जाके है। तो इनकी दुकान पे आपको जेंट्स के लड़कों के सारे कपड़े मिल जाएंगे और यहाँ पे जो कलेक्शन है वो ये लोग समय अनुसार अपडेट करते रहते हैं। तो आप यहाँ से भी अपने शॉप के लिए या अपने बिजनेस के लिए परचेजिंग कर सकते हो। चलिए हम मिलते हैं यहाँ के ओनर से। और आपका नाम क्या है सर? अरविंद कुमार। तो यहाँ पे सिर्फ होलसेल का ही सामान रखते हैं, तो होलसेल में अगर किसी को कुछ लेना हो तो कितने पीसेस कम से कम लेगा? 12 पीसेस देना पड़ेगा। तो चलिए मैं दिखा दी हूँ इनके पास क्या कपड़ों का कलेक्शन है। मिनिमम आप 12 पीसेस ले सकते हो यहाँ से। तो आप कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करने में अगर इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करिएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ सैम्पल पीसेस आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये फुल लेंथ बच्चों की शर्ट है कि बड़े? बड़ी शर्ट हैं। अच्छा, ओके। तो इसमें हमें मतलब एक जैसी शर्ट में 12 पीसेस मिल जाएंगे। अच्छा, ये इसके कलर्स हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ये इनके कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये एक एक पीस दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये क्या है? टी शर्ट्स हैं ये। अच्छा, ये बड़े लोगों की कि बच्चों की? ये पर टी शर्ट कितने की पड़ती है वैसे होलसेल में? 135 रुपये। अच्छा, 135 रुपये। और बिकती कितने में ये? 200 रुपये। 200 रुपये की बिक जाती है, फिक्स रेट पे 200। अच्छा, ये फुल स्लीव टी शर्ट्स हैं। अच्छा, वो हाफ थी। ओके, क्योंकि पर्टिकुलरली एक एक चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कुछ सैम्पल पीसेस हम दिखा रहे हैं। तो ये पर शर्ट कितने की है? 250 रुपये की। ये कॉटन में है, इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसमें कलर ऑप्शंस भी हैं काफ़ी सारे। तो आपको 12 लेनी पड़ेंगी मिनिमम, रिटेल आप नहीं देते हो। तो ये बिकती कितने की है मार्केट में? 350-400 की बिक जाती है। अच्छा, ये बड़ों की है। तो ये कितने की है पर जीन्स होलसेल रेट में? 540 की। और ये सेल कितने में होती है? अच्छा, 800-900 में एक जीन्स सेल होती है। और कपड़े की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये कौन सी जीन्स है? 530-540। अच्छा, ये साइड में इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है। अच्छा, ये जेंट्स जीन्स है सारी आपकी। और ये बिकती कितने में है ये वाली? 800-700 में। शर्ट्स हैं, सॉरी शर्ट्स हैं। किस कपड़े पे हैं? कॉटन। अच्छा, ये कॉटन शर्ट्स में। तो कलर काफ़ी प्यारा है। और ये है कितने की? 225 रुपये की हमें होलसेल रेट पे पड़ेगी। अच्छा, और ये आगे सेल आउट कितने पे होती है? 350-300 रुपये में सेल होती है। जो शर्ट मैंने अभी आपको दिखाई है उसमें ये बाकी कलर्स हैं। ये टोटल 6 कलर्स का पैक है।
तो इसमें ये छह कलर आपको सामान है आपका। ये कितने रुपए पड़ेगा सिंगल? 340 का। ये देखिए वुलन का सामान भी आना शुरू हो गया है, तो इस तरीके से आपको सेम पैटर्न पे 6 कलर्स मिल जाएंगे। और ये 340 का आपने बताया, 340 का। ये बिकता कितने पे आ गया? 450 में बिकता है। ओके, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 450 फिक्स रेट रहता है, और 340 में ये मतलब इसकी खरीदी आपको पड़ेगी। तो और जो इसका कपड़ा है वो भी अच्छा है, और ये काफ़ी मोटा भी है। ये आपको अंदर से दिखाते हैं हम, ये देखिए। अच्छा, ये भी बंडल में ही है? ये वाली भी बंडल में ही है, मतलब 6-6 के पीसेस ही हैं। ये कितने की पड़ती हैं? 240, 125, 130। इसमें भी 6-6, 12। दिवाली आने वाली है, तो उससे पहले ही देखिए यहाँ पर बम पटाखों की और बच्चों के बंदूकों की दुकानें लग गई हैं। तो यहाँ पर जैसे नवरात्र आने वाले हैं, तो उसका भी सामान की दुकानें लग गई हैं। और ये सब होल सेलर्स हैं, सिंगल सिंगल पीस नहीं देते हैं, आपको इकट्ठे पीस 12 के सेट लेने पड़ेंगे। तो चलिए अब आपको ज्वेलरी दुकान पर लेकर चलते हैं। नाम क्या है? लफीस। ओके, तो ये कितने की पड़ती है वैसे? ये 110। रिटेल में? अच्छा, होलसेल है? होलसेल की 110। अच्छा जी, ये चेन्स हैं आपकी? ये 80 रुपये देंगे, 15 रुपीस। 15 रुपये पीस पड़ेगा। इसकी पॉलिश उतर जाएगी जल्दी? जल्दी नहीं उतरती। बुंदे भी ऐसे 120 रुपये देंगे, 10 रुपीस का। अच्छा, 10 रुपये पीस का ये? ये 20 रुपये में बेचते हैं। अच्छा, कुछ दिखाइए, वो सेट दिखाइए। ये 110 रुपये का, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये बिकता कितने का है? जितने ये बेच को 200-200 रुपये का जितने ये बिक जाए। अच्छा, ये 100 रुपये का पीस देते हैं? एक मिनट, ये साथ में इसकी क्या है? ये नथ है, टीका है, बुंदा। अच्छा, नथ है, टीका है, और ये कानों के बुंदा हो गया, नथ और टीका। अच्छा, टीका भी है इसी में? मतलब 5 का ये जो सेट होता है, 4 का, सॉरी, मतलब पूरा सेट है। ये देखिए कितनी प्रिटी लग रहे हैं। इस तरीके से सेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा देखने को। ये कितने का पड़ेगा? 80 रुपये का। ये मार्केट में कितने का बिकता है? 150 का बिकता है। अच्छा, ये 75 रुपये का, ये भी 150 का बिकेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करने में, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पे रेट भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, काफ़ी सही रेट पे यहाँ पे सामान है। ये इयररिंग्स है जी, कि पूरा बॉक्स लेना पड़ेगा? जी, ज़्यादा प्रिटी लग रही है। इस तरीके से ब्राइडल ज्वेलरी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये कितने की है? 200 रुपये। ये 200 रुपये की पड़ेगी? अच्छा, अरे बिकती कितने की है मार्केट में? तो ये गड़बड़छाला में भी सेम ज्वेलरी मिलती है ज़्यादातर, ये इसे लेके जाते हैं क्या वो लोग? तो इस तरीके से देखिए कितना खूबसूरत चोकर है। ये है कितने का? 190 रुपये का है। ये बहुत प्रिटी लग रहा है। इसमें कलर्स ऑप्शंस भी मिलते हैं, कलर बहुत आगे लेकिन इस टाइम है नहीं। एंड ये मार्केट में आपके 350-350 रुपये के कम से कम बिकेंगे, मिनिमम रेट। ब्राइडल ज्वेलरी है यहाँ पे, इस तरीके से पूरा ये सेट बन के आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हो आप, बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरीके से इसके पूरे बाकी की एक्सेसरीज हैं इसमें, तो जितने ये सारी इसमें होंगी टोटल। ये है कितने का सर? 1700 का है। अच्छा, और मार्केट में कितने तक का मिलता है? 2500-3000 का बिकता है आराम से। 2500-3000 तक का ये आपको सेट मिलेगा मार्केट में। ये देखिए रानी हार है, ये बाकी एक्सेसरीज है उसकी। इसमें कितने पीसेज होंगे? 12 पीसेज हैं। 120 रुपये का आपने बोला, 10 रुपये की पड़ रही है। और ये सेल कितने की में होती है? 20 रुपये। तो इसका नग नहीं निकलेगा? नग तो नहीं निकलेगा? ओके, ड्राइवर्स को कुछ डिस्काउंट देंगे अगर चैनल का नाम कोई बताएगा? अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको लेकर चलती हूँ प्लास्टिक की शॉप पे। ये यहियागंज मार्केट के काफ़ी फेमस दुकानदार हैं प्लास्टिक के, और ये यहियागंज गुरुद्वारे की लाइन में ही इनकी दुकान है। तो जो लेडीज़ अपने घर से प्लास्टिक का काम करती हैं, ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, वो यहाँ से आके परचेजिंग कर सकती हैं। उनको यहाँ पर काफ़ी कम रेट्स में सामान मिल जाएगा। नाम क्या
नीरज प्लास्टिक। अच्छा तो ये है प्लास्टिक के नाश्ते वाले डिब्बे। तो आपको यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लास्टिक का सामान सही रेट्स पे होलसेल रेट्स पे मिल जाएगा। होलसेल रेट है। अच्छा और ये वाला 410 रुपए। अच्छा मतलब अगर कोई जैसे एक साथ बेचने के लिए 5-6 पीसेस लेता है तो भी यही रेट ही मिलेगा। अच्छा सेम रेट मिलेगा ये, मतलब आप रिटेल में भी एक सेम पीस दे रहे हो। अच्छा रिटेल में आप मना कर देते हो। अच्छा डिफरेंट तरीके के ये नाश्ते के डिब्बे दिखा रहे हैं। ये कितने का है? 400 का। तो ये जितना भी आप माल देख रहे हो ये सब सैंपल पीसेस हैं। अगर आपको होलसेल में चाहिए तो क्रॉकरी, कटलरी, डिनर सेट, कप के जो 6 और 12 पीसेस के जो अच्छी क्वालिटी के कप्स आते हैं और बाथरूम के जितने भी आइटम्स हैं और फाइबर की प्लेट्स, वाटर बॉटल्स, बॉटल्स, बच्चों का सामान, सब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये इनका गोदाम नीचे है यहाँ से। सब्सक्राइबर अगर हमारे चैनल का नाम बताते हैं तो आप कुछ डिस्काउंट देंगे उनको? नहीं, देंगे आप? चलिए ठीक है, अगर आप चैनल का नाम बताओगे तो आपको ज़रूर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा यहाँ से। अगर आपको कपड़े का काम करना है या बुटीक है आपका तो आपको हैंगर्स, मैली क्वीन और स्टैंड चाहिए कपड़े लगाने के लिए, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसका गोदाम ऑनलाइन या घर से अपने कपड़ों का बिजनेस कर रही है या आपका बुटीक है तो आप यहाँ से मैली क्वीन लेना चाहती हैं तो आप ले सकती हैं। यहाँ के मैली क्वीन्स के रेट काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, आपको हर तरीके की मैली क्वीन मिल जाएगी, फुल में, हाफ में, बेबी मैली क्वीन्स, स्टैंड है कपड़ों को लगाने का तो वो सब आपको यहाँ पर काफ़ी कम रेट्स में मिल जाएगा बिकॉज़ ये पूरी शॉप जो है वो होलसेल की है। तो क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि अय्यागंज में मैली क्वीन्स की दुकान कौन सी है, तो जहाँ आप अय्यागंज गुरुद्वारे की लाइन में आते हो वहाँ पर ये शॉप पड़ती है। अगर आप कपड़ों का बिजनेस करते हो तो आप यहाँ से आके परचेजिंग कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक्सेसरीज के बिजनेस में, मींस लाइक हेयर बैंड्स है, क्लचेस है, आपकी कॉस्मेटिक शॉप है या आपकी बुटीक है तो आप अपनी बुटीक में इस तरीके का सामान रखते हो या रख सकते हो तो शॉप पर अब आपको लेकर चलती हूँ। ये भी होलसेल शॉप है। आपकी शॉप का नाम क्या है? फैशन ज्वेलरी। अच्छा इसमें होंगे कितने टोटल? 30 पीस। कितने का ये? 60। तो यहाँ पे सारी पूरी मार्केट होलसेल की है? अच्छा तो यहाँ पे आप लोग सिंगल पीसेस नहीं रखते हो, मतलब पूरा बंडल लेना होता है हमें? अच्छा ये बिकते कितने में है मार्केट में? 5 रुपये की दो? 5 रुपये का एक बिकेगा ये। अच्छा और डिब्बा हमें कितने का पड़ेगा ये वाला? 60 रुपये का डिब्बा पड़ेगा। तो ये हमें 2 रुपये का पड़ेगा और हम इसे 5 रुपये में बेचेंगे, इट मीन्स 3 रुपये का प्रॉफिट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब होलसेल का सामान मिलता है। ये बटरफ्लाइज हैं जो बच्चों के लिए बालों में लगाई जाती हैं, वो है यहाँ पर। ये क्लचेस हैं इकट्ठे बंड। इस तरीके से जो आप लोग हेयर में एक्सेसरीज लगाई जाती हैं, ये डिब्बा कितने का है? 42 रुपये का। इसमें कितने पीस होंगे ये? हाँ एक दर्जन। ओके 12 पीसेस हैं इसमें। ये क्या है? ये ब्रेसलेट्स हैं। अच्छा ये इस तरीके से ब्रेसलेट्स हैं, लेकिन जो भी चीज़ आपको मिलेगी वो पूरी बंडल में मिलेगी, सिंगल पीसेस नहीं मिलेंगे। ठीक है ठीक। ये बच्चों के लगाने वाले साइड क्लिप्स, ये हैं स्टिक्स। हाँ ये कितने का है पैकेट वाला? 84 का। ओके 84 रुपीज़ का। अगर आप मतलब
मतलब एक्सेसरीज का या जैसे हेयरपिंस हैं, क्लचेस हैं और ब्रेसलेट्स हैं, इसका बिजनेस करना चाहते हो तो आप इस मार्केट से खरीदारी कर सकते हो। और इनकी शॉप काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन मुझे देखने को मिल रहा है। फैशन ज्वेलरी के नाम से है, इनके पास ब्रेसलेट्स हैं, क्लचेस हैं, क्लिप्स हैं, लेकिन जो कुछ भी है आपको बंडल में मिलेगा और रेट्स यहाँ पे फिक्स है। तो आप खुला कुछ भी नहीं है, ये 12-12 के 6-6 के इस तरीके से पैकेट्स बने हुए हैं और उसको सिंगल पीसेस करके बेच सकते हो। तो यहाँ पे आपको काफ़ी रिजनेबल पड़ेगा इन कंपेयर टू अदर मार्केट। तो इस शॉप पे ज़रूर विजिट करिएगा क्योंकि एक एक चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं है, जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है हमने वो कवर किया है। रिंग्स हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा बंडल आपको मिलेगा, सिंगल पीसेस नहीं मिलेंगे। ईयर एक्सेसरीज है और ये बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा, ये कलरफुल, ये एक दूसरा कलर है इसका, तो ये 40 रुपीज़ की पड़ेगी और इसमें 12 होती हैं और ये बहुत प्यारी लगती है अगर आप कोई हेयर स्टाइल करते हो। तो ज़्यादातर अमीनाबाद मार्केट के जो गड़बड़ झाला में सामान मिलता है वो यही 50% सामान यहीं से लिया जाता है, तो वहाँ पे जो रेट्स हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इन कंपेयर यहाँ पर रेट्स काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। तो अगर आपको वेटिंग मशीन चाहिए, टेडी बियर्स चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, तो हर जगह आप खुद ही देख सकते हो कि चीज़ें बल्क में पड़ी हुई हैं। 12-12 और 6-6 के सेट बने हुए हैं, सिंगल पीसेस कहीं पे भी सेल नहीं किए जा रहे हैं, तो इनके होलसेल रेट्स पे आपको मिल रहे हैं जो कि आगे रिटेल में बेचे जाते हैं। तो आपको डेकोरेशन का काम अगर करना है, डेकोरेशन का सामान जहाँ से मिलता है, लाइक बैलून्स हो गए और जो बर्थडे में स्ट्रिप्स लगती हैं या जो इस तरीके से हैप्पी बर्थडे लिख कर आता है, तो उन सब की शॉप्स भी यहाँ पर हैं। मतलब एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलेगा, टॉयज़ की दुकानें हैं, आप जिस तरीके के बिज़नेस में इंटरेस्टेड हो उस तरीके का सामान यहाँ से आके ले सकते हो। गॉगल्स की शॉप्स आपको मिल जाएंगी होलसेल की, और बर्तनों की दुकानें हैं, मतलब एवरीथिंग आपको आकर एक बार यहाँ पर विज़िट करना पड़ेगा। तो चलिए अब आपको मैं एक बिज़नेस ऑप्शन और बताती हूँ, वो है यहाँ पर ड्राई फ्रूट का बिज़नेस या फिर मसालों का बिज़नेस। तो अगर आप घर के लिए भी ख़रीदना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा बल्क में लेना पड़ेगा। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा है, और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। नाम क्या है? सुरेश किराना स्टोर। सुरेश किराना स्टोर, दुकान कितनी पुरानी है वैसे? लगभग 30 से 35 साल। 30 से 35 साल पुरानी। वैसे इस पर्पस के लिए आप देते हैं यहाँ पे सामान? बिजनेस पर्पस के लिए रहता है। हमारी दुकान पे आपको पूरा ड्राई फ्रूट किराना मिल जाएगा, ये सब होलसेल रेट पे मिलेगा, सब होलसेल ये पता, आप कहीं से भी रेट हम पता कर सके तो कम ही मिलेगा आपके यहाँ? क्वालिटी देखते हुए फर्क नहीं मिलेगा आपको। तो मसाले भी हैं आपके यहाँ? जी हाँ। अच्छा, तो कुछ सैम्पल दिखा दीजिए मुझे ड्राई फ्रूट का जो आपके यहाँ सबसे अच्छी मिलती हो। बताइए, किशमिश दिखा दो। अच्छा, किशमिश है, बादाम है, छुहारा है, काजू है। अच्छा, तो ये रेट क्या है वैसे आपके यहाँ? किशमिश हरी 200 रुपये से स्टार्ट हो गए, 280 रुपये, 320 रुपये तक की रेंज की है। अच्छा, और काजू 2 पीस 640 का है, 680 का दो वैरायटी है। अच्छा, और टुकड़े मिलेंगे फिर 600 रुपये से काजू आ जाएगा। अच्छा, मैं पर्सनली आगे यहाँ से काफ़ी कुछ ले चुकी हूँ, हमेशा मैं यहीं से ड्राई फ्रूट लेती हूँ, काफ़ी साल हो गए मुझे। तो मतलब यहाँ पे जो हमें क्वालिटी का पैकेट है जी, ये कितने का पड़ेगा? ये आपको पड़ेगा 220 रुपए। और ये इस पे रिटर्न क्या है, कितना रेट लिखा है? 300। एमआरपी तो बहुत ज्यादा होगी, 311 लिखा है जो भी है। और ये आप हमें भी देंगे 220 का। तो अगर कोई होलसेल रेट पे खरीदेगा उसको क्या पड़ेगा? ये होलसेल में आपको दे रहा है। अच्छा, आप मुझे होलसेल रेट पे दे रहे हैं। अच्छा, ये बिकता कितने का है फिर आगे रिटेल शॉप पे? 240-250 तक बिकता है। 240-250 तक। अच्छा, ये काजू के हैं, ये साबुत काजू है, इसमें कीड़ा तो नहीं निकलेगा? नहीं नहीं। अच्छा, तो इस पे देखिए, आप देख सकते हो कि इस पे रेट्स बहुत ज्यादा हैं। इस पे रेट कितना है? काला छुआरा है, ये कितने का पड़ेगा पैकेट? डिब्बा 120 का पड़ेगा। अच्छा, हाफ के जी। अच्छा, लिखा हुआ है 300 रुपये, आधा किलो का ही है। मतलब जो हमारा होलसेल। अच्छा, आप होलसेल रेट दे रहे हो। और ये है पिस्ता, ये क्या रेट है? ये आपको पड़ेगा 220 का। 220 का, और है कितना लिखा हुआ है इस पर? लिखा हुआ देखिए 400 रुपये। 400 रुपये लिखा हुआ है। तो आप खुद सोच सकते हो कि यहाँ पर रेट जो भैया हैं वो होलसेल रेट पे आपको सामान दे रहे हैं। और अगर आप चैनल का नाम बताओगे और यहाँ पर आओगे तो भैया आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे भैया? बिल्कुल देंगे। और जो मैंने ये रेट बताए हैं वो प्रेजेंट टाइप के हैं जी, रेट अप डाउन हुआ करते हैं। अप डाउन हुआ करते हैं, ओके। चलिए, आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करिएगा। ड्राई फ्रूट्स का या मसालों का बिजनेस करना चाहते हो तो आप इनकी शॉप पे आके ले सकते हो।
हो, यहाँ पर आपको सारे होलसेल रेट्स मिलेंगे और यहाँ की जो ड्राई फ्रूट की और चीज़ों की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज ये पूरी जो मार्केट है वो होलसेल मार्केट है एंड रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल हैं, क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी अच्छे हैं। और मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से आ रही हूँ, यहीं से ही मैं ज़्यादातर अपने करके लिए ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, यहीं से ही लेती हूँ, तो आप ज़रूर यहाँ पर। तो मैंने आपको ये पूरी मार्केट दिखा दी है और आपको बता दिया है कि कौन सा सामान कहाँ पर मिलता है। अभी इस यहाँ पर बहुत सारे बिज़नेस ऑप्शंस हैं, आप चाहो जब तक आप यहाँ पर आओगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो और कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सारे अनु सत श्री अकाल, बाय।